हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म गली बॉय के ट्रेलर के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दिया गया है। वेल, तो क्या है इस ट्रेलर में डिटेल और इस ट्रेलर को देखकर हमें क्या बातें समझ आती है, चलिए उस पर कुछ नजर डालते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोया अख्तर ने, और सच में जोया अख्तर ने इस फिल्म को बनाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च और बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। और आई थिंक इस फिल्म के प्रोजेक्ट पर काम लगभग 2-3 साल पहले से चल रहा था, क्योंकि ऐसी फिल्मों को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम जाता है। उसका भी जवाब मैं क्लियर कर देता हूँ। आपने जब इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखा होगा, तो उस पूरे टीजर में आपको सिर्फ और सिर्फ रैप ही रैप सुनाए गए होंगे। जिन्हें लिखने में कितनी मेहनत लगी होगी, वो बात तो आपको उस रैप सॉन्ग को सुनने के बाद ही पता चल जाएगा। तो डेफिनेटली ये फिल्म एक मस्ट वॉच फिल्म है, क्योंकि फिल्म की डायरेक्टर ने यहाँ पर ये नहीं दिखाया कि आजकल के अंडरग्राउंड रैपर जो पढ़ना लिखना छोड़कर सिर्फ रैप ही रैप करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ रैप करने से आगे काफी अच्छी होगी और वो लोग इस लाइन में अपनी एक अलग ही पहचान बनाएंगे, क्योंकि बस 1-2 साल पहले ही लोगों को इसका चस्का लगा है। वरना इसके पहले हमारे इंडिया में रैप और हिप हॉप के नाम पर लोग हनी सिंह और बादशाह को ही सुनते हैं, और असली रैप और हिप हॉप क्या होता है इसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन आप सभी को पता होगा कि कंट्रोवर्सी किसकी चल रही है, कौन किस पर डिस्ट्रैक्ट बना रहा है, ताकि हिप हॉप रैप लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाए। और अब वो टाइम बिल्कुल परफेक्ट है कि जोया अख्तर अपनी फिल्म रिलीज करे। और जिन लोगों को ये लगता है कि इस फिल्म में उन्हें डिवाइन और नेजी की स्टोरी दिखाई जाएगी, कि उन लोगों ने स्ट्रगल कैसे किया था जिसके बाद वो लोग इतने सक्सेस बने, तो सॉरी, ये फिल्म आपको वो बिल्कुल नहीं दिखाएगी, क्योंकि इस फिल्म में नेजी और डिवाइन की लाइफ स्टोरी नहीं दिखाई जाएगी। फिल्म के डायरेक्टर जोया अख्तर ने ये बात क्लियर कर दी है कि उन्होंने इस फिल्म को सारे अंडरग्राउंड रैपर की स्टोरी सुनने के बाद लिखा है, वो भी अपने हिसाब से, कि लोग इस फिल्म को किस नजरिए से देखना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि काफी लोग जब इस फिल्म का ट्रेलर देख रहे होंगे, तो उनमें से आधे से ज्यादा लोग को रैपर बनने की चाहत होगी, और वो लोग अपनी पढ़ाई पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देंगे। लेकिन मुझे लगता है अगर आपको एक अच्छा रैपर बनना है और आपकी कोई चाहत है, तो अपने सपने के पीछे भागो। लेकिन उन लोगों को थोड़ी बहुत एजुकेशन भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे जो लोग ज्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं और वो लोग रैपर बनने के लिए हिप हॉप के पीछे भागते हैं, तो वो लोग गलत लाइन में चले जाते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि रैपर बनने के लिए आपको गाली आनी चाहिए और बेकार सी लैंग्वेज आनी चाहिए, जो टपोरी लोग खास करके बोलते हैं, जैसे कि इस फिल्म में भी दिखाया गया है बंटा ये वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर इस ट्रेलर के एक सीन में आपने ध्यान दिया होगा, तो एक सीन में रणवीर सिंह ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि रैप का मतलब लड़की दारू गाड़ी और कपड़े ही नहीं है, रैप दिल से निकलना चाहिए। तो इसी सीन को देखकर आपको ये समझ जाना चाहिए कि फिल्म किस लेवल पर बनी है और हमें क्या सिखाएगी, क्योंकि आज की तारीख में कुछ अच्छे रैपर्स के साथ साथ बेकार रैपर्स भी आए हैं, जो रैप के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कचरा फैलाते हैं, जिन्हें रैप के नाम पर सिर्फ चिल्लाना आता है। तो रैप का मतलब, जैसे कि मैंने समझाया आपको, रैप का मतलब होता है कि अपने दर्द को उन पन्नों पर लिखकर लोगों को बयां करना, जैसा डिवाइन और नेजी ने किया था। उस टाइप के रैपर होते हैं, एक अलग रैपर जो आगे चलकर तरक्की भी पाते हैं, और जो अभी के रैपर चल रहे हैं उन्हें लोग 4 दिन याद रखेंगे, बाद में भूल जाएंगे, ठीक बाकी सिंगर्स की तरह। और जो लोग इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ये बोल रहे हैं कि ये फिल्म 8 माइल्स की रीमेक है, तो उन लोगों के लिए भी मेरे पास एक अच्छा खासा मैसेज है। वेल, मैंने स्टार्ट में ही आप सभी को बताया कि रैपिंग अभी अभी हमारे इंडिया में ज्यादा पॉपुलर हुई है, तो जिस टाइम पर जो चीज ज्यादा पॉपुलर होती है उसी टाइम पर उस पर फिल्म बनती है, उसी टाइम पर लोग उस पर बातें करते हैं, और इसके बाद जब ये माहौल ठंडा होता है तो लोग उन सभी चीजों को भूल जाते हैं। तो जैसे पबजी का ट्रेंड हमारे इंडिया में अभी चल रहा है, वैसा ही ट्रेंड रैपिंग का भी है, इसलिए ये फिल्म अब बनी है। तो माहौल के हिसाब से फिल्म बनी है अभी, ऐसे में आप इस फिल्म को 8 माइल फिल्म से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे भी अंडरग्राउंड रैपर्स हैं जिनकी मैंने आपको एग्जांपल दी, वो लोग पहले कहां पर थे और अब कहां पर है। तो मुझे लगता है अब आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए इस फिल्म से रिलेटेड। अब बात करते हैं फिल्म की स्टोरी के बारे में, कि ये फिल्म हमें क्या अलग दिखाने वाली है। सो ट्रेलर के स्टार्ट में हम देख सकते हैं काफी सारे लोगों को एक जगह पर खड़े हुए, जो लोग रैप बैटल कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर नजर डालें तो हमें ये चीज साफ साफ पता चल जाती है कि गली के बॉयज और हाई प्रोफाइल के रैपर यहाँ पर जमा है, जो आपस में रैपिंग कर ये बता रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा बड़ा हूँ। उसी बीच जो बड़े घर के रैपर है वो लोग यहाँ पर गली बॉयज की इंसल्ट कर रहे हैं अपने रैप में। उसके बाद दिखाई जाती है हमें धारावी, जहाँ पर रणवीर सिंह का कैरेक्टर रहता है, लेकिन अब तक रणवीर सिंह का इस फिल्म में नाम क्या है उसकी कंफर्मेशन तो नहीं की गई है। लेकिन हाँ, आलिया भट्ट के कैरेक्टर का नाम हमें ट्रेलर में बताया गया है कि आलिया भट्ट के कैरेक्टर का नाम है सकीना, जो डॉक्टर बनने वाली है। और मुझे आलिया भट्ट राजीव फिल्म के बाद गली बॉयज फिल्म में फिर से एक दमदार एक्टिंग करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बार आलिया भट्ट यहाँ पर बनी है थोड़ी टपोरी टाइप की लड़की, जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए दूसरी लड़की का सर तक फोड़ सकती है, और उसे अपने बॉयफ्रेंड पर पूरा का पूरा भरोसा है, इसलिए वो उसे उसके सपने के पीछे भागने देती है ताकि वो अपने सपनों को पूरा करे। लेकिन बात करें रणवीर सिंह के बाप बने इस फिल्म में विजय राज के कैरेक्टर की, तो ट्रेलर देखकर हमें
हमें साफ साफ समझ आता है कि विजय राज का कैरेक्टर इस फिल्म में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वो ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाए ताकि आगे चलकर उनके बच्चों को भी ड्राइविंग ना करनी पड़े और वो लोग एक अच्छी लाइन पकड़े। लेकिन जब विजय राज का कैरेक्टर रणवीर सिंह के कैरेक्टर को थोड़े लुखे टाइप की लैंग्वेज में बात करते हुए सुनते हो तो वो बौखला जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो अपने सारे के सारे पैसे वेस्ट कर रहे हैं अपने बेटे की पढ़ाई में, क्योंकि बेटे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। और उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर एक और कैरेक्टर नजर आता है जिस कैरेक्टर का नाम है शेर, और इस कैरेक्टर को प्ले किया है सिद्धांत ने। और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि सिद्धांत इस फिल्म में रैपिंग किस लेवल पर ले जानी चाहिए वो चीज रणवीर सिंह के कैरेक्टर को सिखाई गई। उसके बाद बाकी के ट्रेलर में कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां पर हम देख सकते हैं कि रणवीर सिंह को अपने सपनों को मारकर अपने अब्बू के कहे काम पर जाना पड़ता है, जहां पर वो कुछ डांट भी सुनता है। और फिर अगला सीन जहां पर हम देख सकते हैं कि वो एक कार भी चोरी करता है, शायद विजय वर्मा के कैरेक्टर के बोलने पर। और विजय वर्मा का कैरेक्टर शायद मुझे इस फिल्म में लगता है रणवीर सिंह का बड़ा भाई होगा या फिर एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी उस एरिया में काफी ज्यादा चलती है। और इन सब के अलावा हमें और तीन कैरेक्टर नजर आए, एक है निकुल सचदेव, दूसरी अमृता सुभाष और तीसरी कल्कि, जिन्हें देखकर ये लगता है कि ये एक बड़े घर की लड़की है जिसे लाइफ को अपने हिसाब से जीना है और इसलिए वो अपने सपनों को जी रही है। खैर मुझे इतनी ही डिटेल इस पूरे ट्रेलर में नजर आई है। और उससे भी ज्यादा खास चीज है आलिया भट्ट के बाद रणवीर सिंह की एक्टिंग जो एक अलग ही लेवल की है। वेल तो अब आपकी क्या राय है गली बॉय के ट्रेलर को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि पहले आपने इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर क्या सोचा था। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही, जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।